नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सुनेल में गुर्जर समाज द्वारा युग पुरुष कर्नल बेसला जी की जयंती पर किशनपुरिया देवनारायण मंदिर सुनेल में सामाजिक एकता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान समाज सेवी ईश्वर गुर्जर अकोदिया ने कर्नल साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला और युवाओं को एकजुट होकर समाज को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कहा। साथ ही रामकेश गुर्जर द्वारा भी बेसला जी की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, पढ़ी लिखी माँ, कर्ज मुक्त समाज का संदेश दिया। पिड़ाव क्षेत्र के धरुनिया गांव में स्थित धर्मशाला में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व सरपंच बाल किशन जमींदार ने बताया कि दौरान कथा वाचक आचार्य राकेश बाबा द्वारा माता पार्वती भगवान शंकर के विवाह का वृतांत सुनाया गया। साथ ही भक्त गुरु द्वारा भगवान विष्णु जी की तपस्या, भक्त प्रहलाद, नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप वध की कथा सुनाई गई। वहीं कथा के दौरान सुनाए जाने वाले तीन भजनों पर महिला पुरुष श्रद्धालु झूमते दिखाई दिए। कथा सुनने के लिए धरोनिया सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रुद्र सेना गौसेना टीम द्वारा झालरापाटन में मेला मैदान गौशाला परिसर झालरापाटन नगर परकोटा के बाहर नगर परकोटा के अंदर हरा चारा खिलाया गया। रुद्र सेना के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सचिव गौ सेवक लक्ष्मण सिंह हिंदू के शिक्षा अनुसार कार्य करते रहते हैं। झालावाड़ जिला सहसंयोजक सेतु प्रजापति द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गो माता के जय घोष भी किए गए। वहां मौजूद रुद्र सेना के झालावाड़ जिला संगठन मंत्री पप्पू सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में अनियंत्रित होकर एक सवारी बस मकान में घुस गई, जिससे मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वार्ड पंच इकबाल हुसैन ने बताया कि एक निजी सवारी बस अनियंत्रित होकर उसके मकान में घुस गई, जिससे मकान के ऊपर नीचे का छज्जा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे मकान में काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि घटना में कुछ समय पूर्व कुछ लोग वहां से उठकर गए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मंदसौर शहर कोतवाली पुलिस द्वारा बदमाशों द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम देने से पूर्व ही बदमाशों को धर दबोचा। शहर कोतवाली थाना प्रभारी पुष्पेन राठौर ने बताया कि मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार शहर में भी अपराधियों की धरपकड़, अपराध पर रोकथाम के लिए कोतवाली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अलावदा रोड़ी खेड़ी रोड रेलवे ब्रिज के नीचे बैठे हैं, जिनके द्वारा पेट्रोल पंप लूटने को लेकर योजना बनाई जा रही है। वह उनके पास धारदार हथियार भी हैं। सूचना पर कोतवाली टीआई ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेते हुए अलग अलग पुलिस टीम बनाकर मुखबिर द्वारा सूचना पर बताई गई जगह जगह घेराबंदी की गई, जिसके बाद पुलिस को मौके से 5 लोगों वहीं बैठे हुए मिले, जिनके पास से पुलिस को धारदार हथियार सहित अन्य सामग्री मिली है। पुलिस ने 5 लोगों से अलग अलग पूछताछ की है, जिन्होंने बताया कि वह किसी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, जिसके लिए वह लूट में काम आने वाली सामग्री, लूट के दौरान उपयोग में आने वाले धारदार हथियार भी साथ में लेकर वारदात को अंजाम देने के लिए योजना बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कुछ समय बाद निकलने वाले ही थे कि पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आगामी दिनों में आने वाले त्यौहार शांति के साथ, आपसी भाईचारे के साथ सभी वर्ग के लोग अपने अपने त्यौहार मिलजुल कर मनाएं, जिसको लेकर मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद के निर्देश के बाद मंदसौर जिले के सभी थाना क्षेत्र में अति संवेदनशील थाना क्षेत्र में अलग अलग फ्लैग मार्च निकाला गया। तो वहीं शहर थाना क्षेत्र में निकले पुलिस फ्लैग मार्च में एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी, तीनों थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या पुलिस बल ने पैदल नगर भ्रमण किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने अनंत चतुर्दशी पर शहर में निकलने वाली झांकियों के बारे में जानकारी लेकर झांकियां कहां कहां से होकर निकलती है, इसके रूट का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी, एसडीएम व तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
स्वात का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, वैष्णो मंडी, भवानी मंडी।